हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भोगना और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव से। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बिच्छू साग की सब्जी। वैसे तो हमारे यहाँ इसको कंडाली बोलते हैं गढ़वाली में, लेकिन हिंदी में इसको बिच्छू साग बोलते हैं। तो अभी मेरे हाथ में ये है, हमने ये निकाल के लाई है और आपने देखा होगा बचपन में इससे घर वाले बहुत डराते थे हमें। और इसके जो कांटे होते हैं, जैसी लगते हैं बहुत देर तक दर्द होता है, झंझनाहट जैसा करंट चलता है वैसी होता है। और इसका बनता है साग, तो आज इसकी प्रोसेस बताऊंगा कैसा इसका साग बनता है। आज इसकी पूरी प्रोसेस बताऊंगा। अगर इस पर हल्का भी हार्ट टच हो गया तो एक दो घंटे तक तो ऐसा सुन्न होता है, आज जैसे करंट चल रहा पूरी बॉडी में। तो इसको बोलते हैं बिच्छू साग और गढ़वाली में बोलते हैं हमारे यहाँ कंडाली, और इसी से हमें घर वाले डराते थे बचपन में। तो चलिए आज इसकी प्रोसेस बताऊंगा इसको कैसे बनाते हैं, और बहुत स्वादिष्ट होता है इसका साग। सबसे पहले हमने ये जो कंडाली लाई है इसको आग में जलाएंगे ताकि इसमें जो कांटे होते हैं वो जल जाए। सिर्फ हल्की हल्की थोड़ा थोड़ा जलाएंगे इसको ताकि इसके कांटे जल जाए, और फिर उसको उबलते हुए पानी में डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं ये उसको इसके कांटे को जला रही है, क्योंकि खाते हुए नहीं तो कांटे मुंह में लगते हैं। बस इसके कांटे हल्के से आग में जला के फिर उसको सीधे पानी में डालो। और यहाँ आप देख सकते हैं पानी में इसलिए उबालते हैं, इसमें जो जहर होता है वो जहर निकल जाता है, तो इसमें बहुत ख़तरनाक जहर होता है, उसी से जो हमें करंट लगता है उसी जहर से लगता है। तो उसको पानी में वो जहर निकल जाता है, तो इसको थोड़ा देर तक उबालेंगे उबलते हुए पानी में। तो सारी कंडालियों को आग में थोड़ा थोड़ा जला के उनके जो कांटे थे उनको जला दिया है, और अब इसमें कढ़ाई पे पानी डाल के उसमें उबाल रहे हैं, और ऊपर से हमने ढक दिया ताकि पानी जल्दी गर्म हो जाए, बॉयल हो जाए और उसमें उबले। तो आप देख सकते हैं ये उबल रहा है और उसका जो पानी है वो हरा हो चुका है और एकदम डार्क ग्रीन हो रखा है पानी। ये देखिए ये पानी इसका, और अब इसको थोड़ा और उबालना है ताकि ढंग से एकदम इसके कांटे पूरे, इसका जो रस है वो पूरा निकल जाए, जो जहर है इसका वो पूरा निकल जाए। और हमने पीछे भात भी चढ़ा दिया है क्योंकि इस साग के साथ जो चावल का मजा है वो कुछ और ही है। वैसे इसके साथ रोटी भी अच्छी होती है, पर मुझे भात खाने की आदत है तो मैंने बोल दिया कि थोड़ा चावल भी चढ़ा दो। और चूल्हे पे क्या करते हैं कि इसको पहले पोत देते हैं, राख से इसको पोत देते हैं ताकि ये जो बर्तन है वो काला ना हो, तो इसीलिए सारा पोता गया है। कंडाली के साथ हम राई को भी मिक्स करके पकाएंगे, क्योंकि कंडाली थोड़ा बहुत थी उतनी थी नहीं हो, फिर ऊपर से कंडाली बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो आजकल गर्मियों का मौसम, पहले तो कंडाली को कहते हैं कि कंडाली, जब कंडाली का साग बहुत गर्म होता है इसीलिए हम उसको राई के साथ बनाएंगे। तो आज राई को भी उसके साथ मिक्स करेंगे। तो बहन काट रही है राई का साग और यहाँ कंडाली अभी भी उबली रही है, तो पहले इसको काट देते हैं, उसके बाद कंडाली को वहाँ से निकाल के सिलबट्टे पे पीसते हैं। और ये भी लगभग हो गया है तो इसको हटा देंगे। तो हमने कंडाली को इसमें डाल दिया और इस यह छैनी, इससे ये पानी नीचे निकल जाता है, ये जो है और यही है जहरीला पानी, इसको हमने ढंग से इस पानी को इससे निकाल दिया है। अब इसको हम सिलबट्टे पे पीसेंगे, और अब हम इसको सिलबट्टे पे पीसेंगे। तो कंडाली को हम थोड़ा थोड़ा करके सिलबट्टे पे पीसेंगे ताकि बारीक पीस जाए। और अब हमने यहाँ तेल डाल दिया है कढ़ाई में, इसमें लहे और लाल मिर्च का तड़का दे दिया है, ये हमने इसमें डाल दिया है। तो हमने कंडाली और राय को मिक्स करके इसमें मिला दिया है, और अब इसको थोड़ा पकाते हैं। और ये बन रहा है कंडाली का साग, काफ़ी स्वादिष्ट कंडाली और राय का साग हमने मिक्स करके बनाया है। और ये है, अब आप देख सकते हैं कंडाली और राय का साग काफ़ी स्वादिष्ट होता है। तो अभी ये पक रहा है,
इसमें चावल काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं। जब चावल भात के साथ इस साग को खाते हैं तो अभी इसको थोड़ा देर तक पकाएंगे। रोटी की भी तैयारी हो रही है और ये मेरी छोटी बहन रोटी बना रही है और मम्मी यहाँ साग बना रही है, कंडाली और राई का साग। और मैं इनको देख रहा हूँ और मेरे मुंह में लहर आ रही है कि कभी पके और कब मैं खाऊं, क्योंकि कंडाली का साग काफ़ी स्वादिष्ट होता है और इसके साथ जब भात मिल जाए तो आहा मज़ा आ जाता है। और अब रोटी बना रहे हैं, साग बनके तैयार हो रखा है, यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी स्वादिष्ट बन रखा है। और अब रोटी बना देते हैं, उसके बाद खाते हैं फिर। ये रोटी बन गई है और अब खाने की तैयारी करते हैं, ये लास्ट रोटी जो बन रही है। तो दोस्तों फाइनली हमारा खाना तैयार हो गया है और आप देख सकते हैं ये मम्मी ने दे दिया मेरे को कंडाली और राई का साग दे दिया है और थोड़ा चावल भी दे दिया है और ये है रोटी, तो खाते हैं अब। तो चलिए अभी साग का मज़ा लेते हैं, मैं काफ़ी दिन से बेताब था इसको खाने के लिए, अब इसको खा लेते हैं। आहा मज़ा आ गया, काफ़ी स्वादिष्ट हो रहा है। तो ये था आज कंडाली का साग, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। वो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पहाड़ी भाई पीलो चाय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय देव भूमि उत्तराखंड।